अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं कार इलेक्ट्रिक डॉक्टर और मैं हूं सैयद दानिश हुसैन शाह। आज आपको हम बताएंगे कि गाड़ी को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। हमारे साथ है मोहम्मद उमर और आज ये आपको बताएंगे कि इस गाड़ी को प्रिपेयर कैसे लगाया जाता है। पेपर लगाने के लिए लाजमी है कि उससे जो पहले जो पेपर लगा हुआ है उसको आप उतार लें ताकि जो दूसरा पेपर है वो इस पर पकड़ कर लें। और हमेशा अगर आपने पेपर लगाना तो पेपर की कटिंग होती है बाहर से ताकि उसको लगाने में आसानी हो जाए। और कुछ गाड़ियाँ होती हैं जिनमें डिफाकर होते हैं, जस्ट लाइक मींस के उनके साथ जो हीटर चलता है, आप मींस धूप होती है, क्या कहते हैं उसे, फॉग आ जाती है, आप हीटर ऑन करते हैं तो वो फॉग ख़त्म हो जाती है। लेकिन जिस गाड़ी में डिफाकर हो तो उस गाड़ी को हमेशा बाहर से ही लगता है, उसको पेपर अंदर से नहीं लग सकता। अगर अंदर से पेपर लगाएंगे तो सफाई के दौरान उसके डिफाकर में आप अगर गलती से ब्लेड भी लग गया तो वो डिफाकर किसी काम का नहीं रहेगा। और कटिंग करते हुए बिल्कुल एक्यूरेसी होनी चाहिए कटिंग में, अगर ज़रा सी भी अप एंड डाउन होगी तो फिर उसके बाद पेपर लग तो जाएगा लेकिन उसके बबल्स ख़त्म नहीं होंगे। देखिए मैंने पहले इसको बिठाया पेपर को, बिल्कुल ये देखें एक्यूरेट बैठेगा। अब इसकी कटिंग होगी, हर बंदे का अपना तरीका कार होता है काम करने का, लेकिन ये जो हमारे प्यारे भाई हैं इनका एक अपना ही तरीका है माशाल्लाह।
और पेपर लगाते हुए पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है ताकि वो जब बबल्स आ जाते हैं तो वो उनमें हेल्प करता है बबल्स को ख़त्म करने में पानी। अभी आपको साथ साथ आके पूरी वीडियो देख के साथ साथ आपको इंशाल्लाह सारा कुछ बताएंगे कि कैसे बबल्स निकलते हैं, कैसे पेपर को बिठाना है, कैसे कटिंग करनी है। देखिए पूरा पेपर पहले इन्होंने बिठाया अच्छे तरीके से और अब इसकी ये कटिंग करेंगे। देखने में जितनी आसान लग रही है इतनी आसान नहीं है ये, इसके लिए तजर्बे की बहुत ज़रूरत है। लेकिन कटिंग करते हुए आपने एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखना, ये ब्लेड बहुत तेज़ होता है, उसमें से आपका हाथ भी कट सकता है और आप ज़ख्मी भी हो सकते हैं। और ब्लेड को आपने सीधा नहीं मारना, ज़रा सा किनारा उसका थोड़ा सा टेढ़ा करके फिर काटना है। अब ये देखें एक्यूरेसी आप देख सकते हैं, बाकी जब ये पेपर वन बाय वन लगेगा। चलो आप देख सकते हैं कि ये पेपर डबल है। अगर आपने अंदर वाली साइड पे लगाना है तो ये साइड बाहर रख के आपने कटिंग करनी है, और अगर बाहर वाली साइड पे लगाना है तो ये साइड अंदर वाली साइड रख के कटिंग करनी है ताकि लगाने में आसानी हो। और ये पेपर खोल के इसके अंदर वाली साइड पे हमने मार देना है। पानी इसको अच्छी तरह मारना है ताकि शीशे के साथ पकड़ सही कर लें। पानी मार के पेपर को बड़ी नरमी के साथ बिठाना है सेटिंग के साथ, और उसके बाद उसके ऊपर हल्का हल्का हाथ मार के इसकी सेटिंग करना है।
मैंने सेटिंग की पेपर की, तो उसके बाद जब बाहर पानी लगा होगा तो वाइपर चलेगा आपसे आराम से, नहीं तो भी उन्होंने पानी कम मारा था तो जिसकी वजह से वाइपर ने पकड़ कर, वाइपर का काम है कि इसके ऊपर पुश हो। ये देखें इस वाइपर का काम है कि बड़े बबल्स को और पानी को पुश कर दे, और जो उनके पास जो दूसरा औजार है छोटा उससे ये जिस तरह आप ये देख सकते हैं छोटे बबल्स, जैसे ये छोटे बबल्स को देख रहे हैं आप, ये ये देख सकते हैं आपके पेपर पूरा हो चुका है, और ये देखिए बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है। पेपर लगाने के बाद बाहर से शीशे को आप साफ कर सकते हैं, लेकिन अंदर से शीशे को आपने टच भी नहीं करना, ना डस्टर, ना पानी, ना अदरवाइज कुछ। और ये देख सकते हैं कि हमारा ये पेपर लग चुका है। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए कॉर इलेक्ट्रिक डॉक्टर अला।